राइट, नेक्स्ट हेडिंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या एक्स डबल स्लिट फ्रिंजेस लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ फ्रिंजेस लिखे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एक्स डबल स्लिट फ्रिंजेस। तो एक्स डबल स्लिट में जो फ्रिंजेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम बनाना चाहते हैं। तो देखिए, तो वी नो दैट इंटेंसिटी जीरो एट पोजीशन वेयर टू बेस मीट एट आर्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है ना। तो देखिए लैम्डा बाय 2 यहां पर है, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, माइनस लैम्डा बाय 2, माइनस 3 लैम्डा बाय 2, माइनस 5 लैम्डा बाय 2, माइनस 7 लैम्डा बाय 2। तो ये सब क्या आर्ट इंटीग्रल है, आर्ट इंटीजर है ना। तो आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 पर क्या होगा, डार्क बैंड बनेगा, माने इंटेंसिटी जीरो रहेगी। इंटेंसिटी क्या रहेगी, जीरो है। और जो है जीरो लैम्डा, ये लैम्डा पोजीशन होगा और 2 लैम्डा 3 लैम्डा पर क्या होगा बताइए। यहां पर लैम्डा पोजीशन है, यहां पर 2 लैम्डा पोजीशन है, ये 3 लैम्डा पोजीशन है, ये जीरो पोजीशन है, ये आपका माइनस लैम्डा पोजीशन है, ये माइनस 2 लैम्डा है, ये माइनस 3 लैम्डा है। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, मानते कि टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एडवांसेस इन द सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी देन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स एट कंस्ट्रक्टिव पॉइंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एट कंस्ट्रक्टिव पॉइंट इंटेंसिटी क्या होगी बताओ। आई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आई मैक्सिमम जो के ए1 प्लस ए2 होल स्क्वायर होता है ना, तो ए प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, माने 4 के ए स्क्वायर हो जाएगा। आई मैक्सिमम, आई मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आई मिनिमम वैल्यू के ए माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव पॉइंट पर इंटेंसिटी देखिए जीरो है, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है, 4 के ए स्क्वायर है, 4 के ए स्क्वायर मैक्सिमम है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या सेम है, सभी फ्रिंजों की इंटेंसिटी क्या है सेम, सबके देखिए हाइट सेम है ना, सभी फ्रिंजों की इंटेंसिटी सेम है और इनकी विड्थ भी सेम है, इनकी विड्थ क्या बताओ सेम ना। जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है। तो देखिए एक ब्राइट फ्रिंज यहां बंधा है, एक ब्राइट फ्रिंज यहां बंधा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितना बताओ लैम्डा, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है लैम्डा। अब देखिए एक ब्राइट यहां पर है, एक ब्राइट यहां है, तो 2 लैम्डा से लैम्डा माइनस करिएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगा लैम्डा, और ये डिस्टेंस क्या बताता है फ्रिंज विड्थ को बताता है ना। ये 3 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितना बताओ लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा है ना। तो हम क्या देखेंगे, विड्थ ऑफ ईच फ्रिंजेस इज सेम, कोई भी फ्रिंज ले लीजिए उनकी चौड़ाई क्या बताओ सेम है, इंटेंसिटी क्या सेम है ना, इंटेंसिटी सेम है और चौड़ाई भी सेम है ना। तो हम क्या देखेंगे, इन एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेस हैव सेम विड्थ ना एंड ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड ऑफ सेम इंटेंसिटी, सेम एम्पलीट्यूड और सॉरी सेम विड्थ और सेम सेम इंटेंसिटी को होती है। एंड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑल फ्रिंजेस आर ऑल फ्रिंजेस हैव सेम विड्थ एंड सेम इंटेंसिटी है ना। ठीक है, विड्थ तो आपको सेम मिलेगा, इंटेंसिटी जो है डिफर कर सकता है, इंटेंसिटी आपको डिफर कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सेम एम्पलीट्यूड है तब फिर आपको इंटेंसिटी सेम मिलेगा, इंटेंसिटी क्या मिलेगा सेम है। और विड्थ आपकी विड्थ भी सेम रहेगी, दोनों सेम रहेगा, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो विड्थ भी सेम रहेगा, इंटेंसिटी भी सेम रहेगी, अगर एम्पलीट्यूड नहीं सेम है ठीक है तो फिर आपका इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, बट विड्थ विल बी सेम, विड्थ क्या होगा सेम। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है कि इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ ऑल ईच फ्रिंजेस इज सेम एंड फ्रिंज विड्थ इज सेम, फ्रिंज विड्थ इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए राइट।